जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। काश मैंने पिती को बता दिया होता तो तू बिन छोड़ के बाहर जाते ही नहीं। कुछ सभी का बहुत ख्याल रखता, शायद उनकी ये हालत नहीं होती। ला मैं डॉक्टर को देता हूं। फिर मैं जानती हूं क्या पर क्या कॉफी पिएगी तो मैं लेके आता हूं। तू रो मत, तेरी क्या गलती है? गुंजन ने हमें कुछ बताया नहीं, बताती तो हम उसका अच्छे से ख्याल रखते ना। जब किसी को कुछ पता ही नहीं था तो कोई क्या कर सकता था? देव, शायद मैं कुछ कर सकती थी। ये तो क्या कह रही है? जब अभी ने मैंने बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और ये भी बताया था कि वो बच्चा नहीं चाहती है। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये गल किसी को नहीं बताऊंगी, खास करके वीर जी को। पर अब लग रहा है कि काश मैंने पिती को बता दिया होता तो तू बिन छोड़ के बाहर जाते ही नहीं। कुंजन अभी का बहुत ख्याल रखता, शायद उनकी ये हालत नहीं होती। अभी उससे कुछ मत बोल वीरा, उसे वक्त दे सदमे को बर्दाश्त करने के लिए। बताओ ना चाची, बात की है? ओफो, अभी मैं नहीं समझा तू। चाची मतलब जिस बात पे मैं उसे चिढ़ा रहा था वो? हाँ, वो 16 आने सच है। तू किसी बात पे परेशान तो नहीं है? हाँ रणवीर, अभी तो कहा सब ठीक है। कुन्ने ठीक है ना, हम आ ही गए हैं तो चेक करवा ही लेते हैं ना। नहीं रणवीर, मैंने वेट नहीं करना है और मेरे पेट का दर्द भी चला गया है। वो यहाँ टेस्ट के लिए थोड़ी ना आई थी, वो तो यहाँ MTP का अपॉइंटमेंट था। जी MTP? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।